नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो आप लोगों को 12,000 रुपए दिया जाता है उसके लिए आप ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आवेदन प्रोसेस बताने वाले हैं, कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है कम्प्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो आप लोगों को 12,000 रुपए दिया जाता है इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने का प्रक्रिया ऑनलाइन है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करते थे कि आप जो है अपने ग्राम पंचायत में, अपने जो है ग्राम पंचायत हो गया या तो आप जनपद पंचायत में, वहां पर ऑफलाइन आवेदन दिया करते थे कि मेरे को शौचालय की जरूरत है, या तो ग्राम पंचायत में सचिव सरपंच को आप लोग आवेदन दिया करते थे कि मेरे को शौचालय की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों आवेदन जो है आप लोगों का पास होता था तब जाके आपको जो है 12,000 रुपए मिलता था। ठीक है, अब जो है दोस्तों इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, घर बैठे ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल के किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के जस्ट बाद सर्च पे क्लिक करना है और सर्च करने के बाद दोस्तों सिंपल से लिखना है SBM रजिस्ट्रेशन। बस SBM रजिस्ट्रेशन मतलब SBM रजिस्ट्रेशन का फुल फॉर्म क्या होता है चलिए बताते हैं। एस का मतलब है मतलब यहाँ पर एस का मतलब स्वच्छ, बी का मतलब भारत, मतलब मिशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगा स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ पर आगे ऑप्शन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक कर देंगे दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन का जो ऑफिशियल डायरेक्टर लिंक है, लॉगिन वाला लिंक, यहाँ पर सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर खुल गया, ओपन हो रहा है, थोड़ा तो इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है प्रॉब्लम चल रही है, फिलहाल सर्वर की प्रॉब्लम है शायद तक, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है इंतजार थोड़े और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सिटीजन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे लॉगिन आईडी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, लॉगिन आईडी के थ्रू यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट से डाल लेते हैं, उसके आगे प्रोसेस आप लोगों को दिखा देते हैं। ओटीपी हमारा आ गया, ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर सर्वर की वजह से यहाँ पर लोड ले रहा है, थोड़ा सा लोड ले रहा है, तो इंतजार करते हैं थोड़े से, उसके बाद आगे प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर इस वेरीफाइड करके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नेम आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, आपका जो कंप्लीट एड्रेस है, जैसे कि आपका गांव का नाम क्या है, आपका पोस्ट का नाम क्या है, आपका ब्लॉक का नाम क्या है, आपका जिला का क्या नाम है, ये सारा चीज यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट बोल रहा है, अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। जैसे दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्टेट है वो सारे स्टेट है, जहां से भी आप करना चाहते हैं वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आगे प्रोसेस आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऊपर जो जानकारी है सब कुछ हमने फिल कर लिया। अब फिल करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन नहीं करना, सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर प्लीज चेक योर इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई अगेन। अगर इस प्रकार से ऑप्शन आता है तो समझ जाना कि आप पहले से ही लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, पहले से लॉगिन हो चुके हैं, आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन चुका है। आप सिंपल से क्या करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे आपको रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर कहाँ पर रीडायरेक्ट कर दीजिएगा, आपको लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से लॉगिन वाले पेज जाते हैं और आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। लॉगिन वाले पेज पे हम आ गए हैं। आने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये फटाफट से डाल देते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे पास ओटीपी अभी आ गया, ओटीपी हमने डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया, साइन इन पे क्लिक करते हैं। और साइन इन पे जैसे ही क्लिक करते हैं थोड़ा सा लोड लेगा, यहाँ पर लोड ले लिया। यहाँ पर सिटीजन, यहाँ पर हमारा नाम आ गया, वेलकम टू SBM का लिखा है। ठीक है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आएंगे देखेंगे आपका यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा होगा, पूरा जानकारी लिखा होगा, स्टेटस एक्टिव दिख रहा है, पूरा जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है इस साइड पे, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को नजर आ होगा 3 लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इस साइड पे। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक तो व्यू एप्लीकेशन, एक न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन, तो हमें जो है क्या करना है, एक नया एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन भेजना है, मतलब एप्लीकेशन बनाना है, मतलब जो है आवेदन करना है। ठीक है, तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे और न्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर चलिए एप्लीकेशन को हम फिल करते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ इस प्रकार देखने को मिल जाता है, इसको हम जो है एक बार क्या करते हैं, जैसे
नोटिफिकेशन न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया, हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ गया। यहाँ पर आपका जो नेम है, स्टेट नेम है, वो देखने को मिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ से आपको आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ब्लॉक नेम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी ब्लॉक आता है आपका, कौन सा ब्लॉक आता है वो ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंचायत नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी पंचायत आपका आता है यहाँ पर देख लेना है। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी पंचायत सिलेक्ट करते हैं, जिस पंचायत में आप रहते हैं उस पंचायत का आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी है, ठीक, पंचायत सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विलेज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेम बोल रहा है, यहाँ पर जो है सबसे पंचायत सिलेक्ट करें, तब जाके यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। पंचायत को आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, पंचायत आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। विलेज को सिलेक्ट करेंगे तो आगे वाला ऑप्शन खुलेगा, तो विलेज को सबसे पहले सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर के ऊपर में हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, अपना ग्राम पंचायत ग्राम यहाँ पर सारा चीज सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेंट नेम ऑफ द एप्लीकेंट एस पर आधार नंबर, आधार कार्ड के हिसाब से आपको जो एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा, आधार कार्ड में जो भी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो भी आधार कार्ड नंबर है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इस जो टिक लगा मार्क लगा इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर आधार नंबर वेरीफाई, आधार नंबर को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ पर फादर हस्बैंड का नेम, जैसे दोस्तों शादी हो गई है महिला तो उसके पति का नाम को डालना है। अगर जो है पुरुष डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो है पुरुष डाल रहे हैं तो अपने पिता का नाम डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी जेंडर है आपका, ठीक है, महिला है पुरुष है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी पे क्लिक करना है, कैटेगरी में आप क्या कैटेगरी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पर सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं खुल रहा है फिलहाल अभी, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऊपर ऊपर में जो ऑप्शन दिया गया है उसको जब तक फिल नहीं करेंगे यहाँ पर जो है खुलेगा है, ठीक है, तो उसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड टाइप यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, कार्ड टाइप यहाँ पर कार्ड टाइप कार्ड नंबर यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डालिएगा। ऊपर भर के आते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन खुलता है नहीं खुलता है, ठीक है। नाम डाल दिए हमने, आधार नंबर डाल दिया, यहाँ पर वेरीफाई किया, तो वेरीफाई सक्सेसफुल इस प्रकार से होना चाहिए। अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से वेरीफाई होनी चाहिए, तो हमने वेरीफाई कर लिया। चलिए यहाँ पर हस्बैंड फादर नेम डालते हैं और उसके बाद आगे कुछ आप लोगों को बताते हैं। इसमें यहाँ पर जेंडर हमने सिलेक्ट कर लिया फीमेल, यहाँ पर कैटेगरी बीपीएल है, एपीएल है, क्या है आपको सिलेक्ट करना है। आप सब कैटेगरी यहाँ पर एसटी ओबीसी जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड टाइप में यहाँ पर अपने यहाँ पर आ गया आधार कार्ड। इसके बाद दोस्तों कार्ड नंबर यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है, मोबाइल नंबर आपको डाल देनी है, जो मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी आपको डाल देनी है, अगर डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेक्शन सी बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स में यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो बैंक का आईएफएससी कोड होता है वो डाल देनी है। आईएफएससी कोड डालने के जस्ट बाद दोस्तों नाउ योर आईएफएससी कोड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर बैंक की सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका बैंक डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर, देखिए दोस्तों आपका बैंक का नाम यहाँ पर डालना है, बैंक डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सारा चीज यहाँ पर आ जाएगा। अकाउंट नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, जिस अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं अकाउंट नंबर को टाइप करेंगे, फिर से अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, और टाइप करने के जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना जो पासबुक है उसको जो है अपलोड कर देनी है, ठीक है। ये हो गया, होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो जो है अप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो इसी प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों अगर आप जो है ग्राम पंचायत में सचिव से मुलाकात करते हैं और उनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो जो है क्या करेंगे, हर पंचायत में आप सभी लोगों को पता है कि एक ऑपरेटर रहता है, तो ऑपरेटर जो है आपका जो फॉर्म है उसको अप्रूव करने में आपका सहायता करेगा, या ब्लॉक में आपका जो जाएंगे तो ब्लॉक में भी वहां पर अप्रूव करने के लिए बोलेंगे तो आसानी के साथ अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया, तरीका आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों का शेयर करना। अगर मनोज जी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।